बैक टू माय चैनल गाइस, और आज हम जा रहे हैं गीता कॉलोनी, क्योंकि दादी का कुछ पेंशन का काम है, इस वजह से हम वहाँ पे जा रहे हैं। चश्मा लगा के अच्छी नहीं लग रही थी, मैं आप ज़्यादा सही लग रहा हूँ। तो अभी जो ऑटो वाले लग रहे हैं वो बता रहे थे उनसे घर से उनको 500 चलती हुई दी है, जो कि अब किसी काम की नहीं है, उनकी पुराने वाले लोगों को कह रहे हैं। मेरी दादी के बक्से में था, मेरी दादी गुजर गई। अब मैंने बोला कि अब शादी में नोट उड़ा देना सारे। अक्षरधाम है, अक्षरधाम भी गए हुए काफी दिन हो गए ना। बहुत ज्यादा बोर हो चुके हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया। फाइनली हम ऑफिस पहुंच चुके हैं, इतनी मशक्कतों के बाद भीड़ इतनी थी, ट्रैफिक इतना। गाइस हमारे फाइनली की पेंशन आ जाएगी, तो दिक्कत ये हो रही थी, मैं अभी बता दूं आप लोगों को, फालतू के चक्करों में ना पड़े। एक लेडी हमसे 10,000 रुपये मांग रही थी कि पेंशन देने के 10,000 रुपये लेगी वो, मगर यहाँ आके पता चला कोई दिक्कत नहीं, पीछे से ही दिक्कत हो रही है। और पता चला कि हम उसको बोलते ठीक है तू काम करवा दे 10,000, और 10,000 ले लेती और हम उल्लू बन जाते, और पीछे से ही लेट थी पेंशन। इस कोई भी दिक्कत नहीं है, इतनी दूर आने का कोई फायदा नहीं हुआ, बस यही पता चला कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगी। वो जो लेडी थी वो इनसे कहने लगी कि 4 महीने की पेंशन लूंगी, बेचारे की 2,500 रुपए तो पेंशन आती है, ठीक है, और 4 महीने मांग रही है, और 4 महीने से ऐसी नहीं आई, और 10,000 ऐसी ले लेगी, और क्या तेज बना करेगी यहाँ। उसको पता ही होगा कि पेंशन नहीं आ रही, पीछे से लोगों का काट कर 10,000 एंटी कर कर बस हो गया काम, आ जाएगी। तुमसे बोल देती आ जाएगी अभी थोड़े दिनों में पेंशन, क्या हो गया। तुम कहती अच्छा ठीक है, फिर आ जाती, फिर उसको पैसे भरो। मैंने सारा 40 अब उसको फोन करके बोलो भाड़े नहीं, में नहीं, नहीं, कुछ बोल। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी कि कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे हो जाए, क्योंकि इतनी दूर हम दोबारा नहीं जा सकते ना, 1 घंटे का रास्ता घर का, मगर कोई दिक्कत नहीं हुई। वो रहा ऑफिस सामने, कभी आना हो तो हम आ सकते हैं ना। हाँ मेट्रो से ही आएंगे, पहले हमने डिसाइड करा था कि हम मेट्रो से आएंगे, और वो हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था मेट्रो से आने का, मगर इनको ऑटो देख के लगा कि आराम से बैठ के आ जाएंगे, और आराम नहीं मिला। बहुत आराम तो छोड़ो, इतना ट्रैफिक, मतलब 20 मिनट का रास्ता ना 1 घंटे में कवर हुआ है, और इतनी भीड़ है दिल्ली में, हर जगह पानी भर रखा है, 3 रोड बंद रखे हैं, एक ही रोड पर सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो चुका है। और मैं तो ये कहूँगी अभी कहीं भी निकलना अवॉइड करो आप लोग जो भी दिल्ली NCR में रहते हैं, दिल्ली में तो बिल्कुल भी मत आओ, हर जगह ट्रैफिक है और कुछ नहीं है, गर्मी ट्रैफिक बस। मेरा मुंह देखो आप कितनी गर्मी लग रही है। तो चलो नहा के नहीं आई, अभी घर जाके नहाऊंगी, फ्रेश होंगी, और जो नहा के आया उसका और बुरा हाल होता होगा कि अब फिर गर्मी। ये नहा के आई है मैं, मुझे पता था यही हाल होना मेरा, इसलिए मैं नहा धो के नहीं आई, मैं घर जाके नहाऊंगी। हमारे ऑटो वाले भैया गए हैं बिरयानी खाने, देख के तो मन मेरा भी कर रहा था बिरयानी खाने, मगर पता नहीं कैसे बनाया होगा उसने। तुम ही तो बोल रही थी कोई भी चीज़ सही से नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती, गंदे तरीके से बनाते हैं, तो मैं इस वजह से नहीं खा रही, क्योंकि देख लेना कहाँ खड़ा हुआ है, पेट खराब हो जाएगा। हम सामने वाले जाम में फंसे थे, कितना लंबा जाम लगा हुआ है, देखो खत्म ही नहीं हो रहा, चले ही जा रहा है, चल जाएगी वहीं तक जाम है यहाँ पे। जीतावाणी हो गए, जय भोले बाबा, अपना प्रचार करना नहीं भूलेंगे हर जगह बोर्ड लगा के, सेवा में भी बोर्ड लगाना जरूरी है। गाइस अभी हम आए हैं छोले कुलचे लेने, क्योंकि भूख लग गई। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, इतना थक गए हैं, ट्रैफिक इतना, गर्मी इतनी, अभी छोले कुलचे पैक करवा लिए, ये खाएंगे आराम से। मैं तो पहले हाथ धोऊंगी, एसी चलाऊंगी, आराम से बैठूंगी पहले। वो छोले कुलचे खा लिए, नहा धो के, बड़े टेस्टी थे उसके छोले, बहुत टेस्टी रहते हैं, पता नहीं कितने सालों से ये लगा रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा बनाता है। और हमारे आते ही हो गई बारिश, अभी हम गए हुए थे इतनी गर्मी में, तब नहीं हुई एक बूंद भी, और हम आ गए हैं तो अब हो गई बारिश तगड़ी, देख लो भाई बारिश हो गई, अभी हमारे जाते जाते कुछ नहीं हुई। हाँ बेबी अव्वा, बेबी के पैर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मैं फंगस की दवाई लगा रही हूँ इसके पैर में, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और इन्फेक्शन हो गया डॉक्टर ने बोला है, तो ये चल भी नहीं पा रही है ढंग से। मैं वीडियो बीच में अपलोड करूंगी, आप लोग देखना कि चल नहीं पा रही है ये। आप लोगों के पास भी पेट है, डॉग है, तो उन लोगों को बारिश के मौसम में बाहर मत निकालो, क्योंकि इनके पैरों में पानी जम जाता है और फिर ये इन्फेक्शन बन जाता है, फिर आपका डॉग सही से चल नहीं पाएगा, उसे दर्द होगा, तो इसलिए आप लोग इस मौसम में बाहर अपने डॉग्स को मत निकालो। चारों देवियों का दर्शन करने गए थे और फिर बारिश का मौसम था, फिर हमको होटल नहीं मिल रहा था सावन में, हाँ सावन में गए थे, फिर एक ट्रक वाला था वो कहने लगा हमारे तो होटल में सब गए, हमारा ट्रक खाली है, आप लोग इसी में सो जाओ, हम सो गए थे। यही 4 साल की थी, इसने सुसु कर करके गदर मचा डाला था, हमको सोने को ही नहीं, बच्चों को
सुसू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बोलती हूँ बच्चों को, ये मेरे आंसू को बोलती है, चार अभी तो ये 2 साल की है, ये 4 साल की सुसू करती थी। 2 और 4 साल में ज्यादा फर्क नहीं होता, 2 साल का ही होता है। 2 साल का हो गया ना, पहली बार सर्दी हो रही है, दूध पिए जा रही हूँ, तो सुसु नहीं करूंगी। सुबह देखा तो साफ सुथरा था, बहुत अच्छा था। पर इसने बढ़िया कर दिया था ना, बेचारे आए होंगे, सोचे होंगे बारिश से गीला हुआ है। गाइस अभी मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने राघव से 2 मैगी के पैकेट मंगवाए हैं और अब बन रही है यहाँ पे मैगी। साथ में मैंने मंगाया है हर्षी सिरप और ओरियो, क्योंकि मैं ओरियो शेक पीना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरा फेवरेट है, फेवरेट ओरियो शेक। और मैं ओरियो शेक पीऊँगी और मैगी खाऊंगी और मज़े करूँगी। मैगी मैं नॉर्मल नहीं बना रही, मैं चीज़ मैगी बना रही हूँ, मैं इसमें चीज़ डालूंगी भर के। क्या है, ड्रैगन फ्लाई आई थिंक सो, वो ड्रैगन फ्लाई ना बार बार थक जाती है और यहाँ बैठ जाती है, और फिर उसके बाद जब उसमें जान आती तो उड़ने की कोशिश करती है, अभी वो थक के बैठ गई है, अभी उसमें फिर से जाना आएगी तो फिर से उड़ेगी। मुझे मन कर रहा है कि उसको मैं बाहर छोड़ दूँ, मगर यहाँ पे चढ़ू गया, ऐसे बहुत सारा सामान है यहाँ पे। अभी जस्ट गाइस मैंने खाया है और अभी मैं उठ ही रही थी साफ करने के लिए, पहले ही आ गई कि साफ करो। अच्छा लौट गई, सारा किचन साफ है देखो। अभी क्या है बताओ, क्या है गैस पे, अभी करके नहीं गई हूँ। हर्षी सिरप का मैंने ऊपर का ये फाड़ दिया और ये रख लिया, ये देखो ऐसे था ये। क्या करने आई हो मेरे पास, ए बी सी डी करने आई है, मगर मैं तो अभी 2 बेबी दीदी को पढ़ा रही हूँ। न्यू आपकी है, जाओ कर लो पढ़ाई, जाओ मैं कराऊं। सो गाइस मैंने इसको किचन से पकड़ लिया है, बेचारा सुबह से फटफट फटफट कर रहा था, मे बी कि अब उड़ जाए। ओह उड़ गया। तो गाइस मैंने याशु को और नव्या को काम दिया है कि वो घर जाके ए बी सी डी याद करेंगी, तो मैंने उनके पैर भी लिख दी ए बी सी डी और नब्बू के पूरी जेड तक। देखो ये कैसे खतरों के खिलाड़ी बन रहे थे, एंगल बिगड़ गया, अभी फिर बनने जा रहे हैं। तुम्हारा भाई खतरों का खिलाड़ी है क्या? आज मेरे फूफा जी का बर्थडे है तो वो घर पे आ रहे हैं सेलिब्रेट करने, और वो हमारे घर के बहुत पास ही रहते हैं, तो उनको लगा कि अपने घर में अपने फैमिली में सेलिब्रेट करने से अच्छा हम सब इकट्ठे हों मिलके और हम सब एक साथ सेलिब्रेट करें। सो ही इज़ कमिंग विद हिज फैमिली, मतलब मेरी बुआ और फूफा जी और बच्चे आ रहे हैं केक काटने यहाँ पे, और हम इंजॉय करेंगे। सो मैं अभी बाल बाल बना लेती हूँ, मेरे बाल इतने मानसून में फ्रीजी हो गए, देखो कितने फ्रीजी हो गए, और जब से मैंने हेयर कट करवाया है लाइक मेरे हेयर यहाँ तक हो गए थे, जब से मैंने हेयर कट करवाया है क्योंकि नीचे के स्ट्रेट जो थे केराटिन वाले वो तो निकल गए, इस वजह से कर्ली 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 हो रहे हैं, बट इट सूट्स मी आई थिंक, ये कर्ली मुझे अच्छे लगते हैं अपने मुँह पे, स्ट्रेट नहीं करवाऊंगी अब मैं, नहीं करवाऊंगी, मेरे बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, मैं बुढ़ी हो रही हूँ। योगा दिवस ये देखो, केक आ गया हमारा। ये हमारी आशु गिफ्ट लाई है, लो दो बजे गिफ्ट है, लो हैप्पी बर्थडे तो बोल दो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी, आइयो अम्मा भी कर दो बाहर। तित्तो गिफ्ट याशु, तित्तो तित्तो गिफ्ट, हाँ ना तित्तो तित्तो गिफ्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मान जाते हो तुरंत, क्यों आज तुम्हारी बेटी है तो मान दी। आओ आरा देने का, उसको आ जाओ, लो हैप्पी बर्थडे, दोनों हाँ यार गिफ्ट खोलो, मैं भी साइज़ बहुत देखते हैं क्या है इसमें, अरे बोल दो बाप रे कुछ ऐसा है, देखो केक, ओह माय गॉड,
सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. और फिर हमने खाना पीना खा के व्लॉग एंड कर दिया था क्योंकि मैं अभी बहुत थक गई थी, फिर मैं सो गई. सो कैसा लगा आपको? और थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब जरूर करके जाना.